ये बीजेपी से ना आप लड़ नहीं सकते, ये आपके जान के दुश्मन। तो सबसे ज्यादा जिस आइडेंटिटी पर हमला है ना वो मुसलमान है, और ये बात एक मुसलमान ही महसूस कर रहा है कि सच बात ये है कि अभी बहुजन समाज को जितना जागरूक होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। चुनौती आरएसएस की वो विचारधारा है जो इस देश के बहुजनों को हमेशा के लिए वहां पहुंचाना चाहती है जहां मनुस्मृति के पहले वो लोग थे। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तीनों गया, अब उसके बाद आपका बच्चा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दंगा करने ही तो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है, नाम उनका आप सब जानते हैं, मैं तो उनको कहता हूं प्रोफेसर हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं मैं, लेकिन उनको कहता हूं समाज का सबसे बड़ा डॉक्टर, समाज वैज्ञानिक, जो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान इस देश के इतिहास को जिंदा कर रहे हैं और तमाम रिस्क ले रहे हैं। इनसे बेहतर कौन बताएगा कि यूपी चुनाव में क्या होगा? क्या मायावती जी बीजेपी को हरा रही हैं, अखिलेश बीजेपी को हरा रहे हैं, कांग्रेस हरा रही है, या चंद्रशेखर रावण हरा रहे हैं, या ये चारों नेता मिलके बीजेपी को जिता रहे हैं? ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए SC ST OBC माइनॉरिटी के सवर्णों की 5 पार्टी यूपी में खड़ी हो जाए, कांग्रेस ऑलरेडी है, बीजेपी है, ममता जी आ जाए, नवीन पटनायक आ जाए, तो यूपी का सवर्ण किसे वोट करेगा? अगर इसी फॉर्मूला को आप अपनाएं तो यह तय हो जाएगा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिसको वोट करेगा वो जीतेगा। आवाज आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। लक्ष्मण यादव से सारे सवाल पूछ सकते हैं आप, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं बहुत मशक्कत के बाद, भारत के सबसे बड़े वोकल और सबसे शानदार सोशल साइंटिस्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डंके की चोट पर बिना नफा नुकसान सोचे बोलते हैं, इसलिए इस देश के किसी भी टेलीविजन चैनल और अखबार की हैसियत नहीं है कि लक्ष्मण यादव को पैनल पर बैठा के बात कर ले। शुक्रिया सर नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर लाइक देने के लिए, 128 लोग आपसे जुड़ चुके हैं, इससे जुड़िए, शेयर कीजिए। क्या लग रहा है यूपी चुनाव में कौन हरा रहा है बीजेपी को? बहुत शुक्रिया शंभू जी, नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और ये एक मुश्किल सवाल है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, लेकिन मेरा जवाब तो ये होगा कि अगर हराएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता हराएगी, क्योंकि असल में जितना उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास होगा कि पिछला 5 साल कैसा बीता है, ये किसी सियासी दल से ज्यादा अहम होगा। किसके खेत में साढ़ ज्यादा चल रहे हैं, या किसकी यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया कम हो गई, किसके घर में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल, 200 रुपए से ज्यादा जो खाने का तेल है सरसों का तेल, और 1000 रुपए से ज्यादा की गैस गई है, उसको पता होगा कि उसे बीजेपी को हराना है। अरे सर उनको तो पता है, सुरेश राणा को कल जनता ने दोहरा दिया, केशव प्रसाद मौर्य को जनता ने दोहरा दिया, आज दो एक विधायक तो आज माफी मांग रहे थे हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दीजिए, जनता तो दोहरा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जनता वोट किसको दे? मायावती के साथ शेड्यूल कास्ट जाएगा, रावण शेड्यूल कास्ट का वोट काटेंगे, मुसलमान ओबीसी के साथ जा सकता है, सपा के साथ जा सकते हैं, बसपा के जा सकता है, हराएगा कौन? या ये सब लोग मिलकर चाह रहे कि बीजेपी जीत जाए? देखिए ये कहना तो बड़ा नहीं, देखिए आप एक समाज वैज्ञानिक है, हमको तो हम पत्रकार हैं, हम तो सच बात बोले बिल्कुल, देखिए किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं भी ये कह रहा हूँ हम तो बहुजन समाज के साथ हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि कितना खूबसूरत होता कि ये जितने बहुजन समाज के लोग हैं ये एक होकर के चुनाव लड़ रहे होते। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन केवल दो पार्टियों का नहीं था, जनता का भी था, लेकिन वो टूट गया। अभी इस बार आप अगर तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, अच्छा होता कि चंद्रशेखर, अखिलेश यादव और बहन जी या मायावती जी तीनों जुड़कर, भूल गए 52 में सपा और ओबीसी का भी गठबंधन है, एक तो और 5 लोग बीजेपी को, 5 दल बीजेपी को हरा रहे या जिता रहे हैं? अब ये तो बहुत बिल्कुल ठीक बात है, अगर बेबाकी से कहा जाए तो ये नुकसान करेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और कई बार अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस और वामपंथ ने बंगाल में साइलेंटली जो है किसका साथ दिया,
दीदी का साथ दिया, ममता जी का। तो राजनीति में तो कई बार चुपचाप भी साथ देना होता है। कई बार आम आदमी पार्टी जहां जीत रही हार रही है, कांग्रेस चुपचाप बीजेपी का और बीजेपी चुपचाप कांग्रेस का साथ देती है। ये तो अपने लोग थे, इन लोगों को एकजुट होना था। अभी देखा हूँ आज चंद्रशेखर जी के साथ, और उन्होंने भी एक अपना पूरा गठबंधन बना लिया पीस पार्टी के साथ। हाँ, और उसके बाद ओवैसी जी उधर गठबंधन बना लिया मेश्राम के साथ, मेश्राम के साथ, और बाबू सिंह कुशवाहा शायद उनके साथ। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा। तो ये ठीक नहीं है। ये सारे लोग अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें इन नेताओं को सबकी गलती होगी। क्या अखिलेश यादव की हालत तेजस्वी यादव वाली होगी, जैसे उन्होंने मांझी जी को हटाया था, सहनी को हटाया था, बाद में सरकार नहीं बन पाई, क्या अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? देखिए, क्योंकि एक बार बताइए सर, 403 सीट है, 250 लाख के भी तो अखिलेश जीत सकते हैं चुनाव, 150 सीट बांट भी तो सकते थे। बिल्कुल, देखिए कोई भी बड़ा दल है ना, हाँ, तो उससे तो 250 ना लीजिए ना, 150 बांट दीजिए। इसीलिए जो शिकायत होती है ना बड़े दलों से ज्यादा होती है कि भाई आप ज्यादा बड़ा दिल दिखाइए, और आपको ज्यादा आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर आपकी लीडरशिप, और आप खुद ये दावा कर भी रहे हैं कि योगी को सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो उनकी थोड़ी जिम्मेदारी थी कि सबको साथ ले। कैसे वोट की बात कीजिए सर, ओबीसी का 25% वोट अभी भी बीजेपी के साथ है हिंदू के नाम पर। ये बात सही, ठीक है सर। मुसलमान सपा को भी करेगा, बसपा को भी करेगा, ओवैसी को भी करेगा। शेड्यूल कास्ट रावण वाले मामले के बाद मायावती के साथ कंसोलिडेट हुआ। आप झूठ मत बोल, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हम ग्राउंड पर जाते हैं रोज, नेशनल दस्तक 3 ग्राउंड रिपोर्ट रोज लगाता है। सच्चाई यही है, जनता नाराज है बीजेपी से, लेकिन वो टुकड़ों में अगर सब अपने अपने समर्थक पार्टियों को वोट देगी तो बीजेपी के साथ 15% सवर, आधा ओबीसी मतलब 25%, 45% का आंकड़ा वो पार कर रही है। और पिछली बार 40% पर सरकार बनाई थी 2017, पिछले बार 55% वोट है सर बीजेपी को ओवरऑल विधानसभा में 40% ओवरऑल विधानसभा में उसको वोट मिला है, लोकसभा में उसको 50% 51% वोट मिला है। ये जो हो रहा है ना इस बार, देखिए अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ओबीसी में से हिंदू के नाम चेक कीजिए, जब सपा बसपा का गठबंधन था तब वो 46% लाख के चुनाव जीते हैं, 15 सीट लूज किए हैं, ठीक है सर। आप पिछला बार जिस समय उन्होंने 70 सीटों का आंकड़ा पार किया था तब 55% था, विधानसभा में उनका परसेंटेज भी 50 है, नहीं अभी 40 है मैंने देखा। इन दोनों लोगों के भी 30-30% पे सरकार बनी थी, सपा और बसपा की सरकार 30% पे बनी है, और बीजेपी जो सरकार बनी तो 40% पे बनी। मैं एक बात और कह रहा हूँ कि देखिए ये चिंता तो बिल्कुल ठीक है जो आप जिस जगह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि कल को अगर अखिलेश यादव हारते हैं, या कल को इसको आसान भाषा में कहा जाए तो बीजेपी जीतती है, तो इतनी नाराजगी की बात तो दोष तो इन नेताओं पर ही होगा, लेकिन जनता को कम से कम मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहता हूँ, आप कम से कम पहचानो तो कि कौन असल में जितवाएगा आपको और कौन बीजेपी को हरा रहा है। और यही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार सीट दर सीट होगा। मेरा वही सवाल है सर, जब 20% मुसलमानों को दरकिनार कर 100 सीटें बनती है, 400 में 20 × 80 85 सीटें बनती है ना मुसलमानों की, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, बिल्कुल ठीक बात, 52% ओबीसी मतलब 200 सीटें आपको बनती है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, 25% शेड्यूल कास्ट मतलब 100 सीटें बनती है, 400, 100 सीटें मुसलमान, 100 सीटें शेड्यूल कास्ट, कितना हुआ 200 ओबीसी, 400 सीट, कोई नफा नुकसान नहीं था। सवर्णों को बायकॉट कर सकते थे कि नहीं, जब 20% मुसलमान के बगैर राजनीति हो सकती है तो 15% सवर्णों के बगैर नहीं राजनीति हो सकती है क्या? देखिए होना तो ये चाहिए कि असल में मुसलमानों को इस समय जब दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा हो, उनकी महिलाओं को नीलाम करने की बात हो रही हो, तो सबसे ज्यादा जिस आइडेंटिटी पर हमला है ना वो मुसलमान है, और ये बात एक मुसलमान ही महसूस कर रहा है, इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लक्ष्मण यादव यहाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बेईमानी हो रही है। लक्ष्मण यादव जी 20% मुसलमान का वोट दे दिए मान लिया अखिलेश को, कितना परसेंट ओबीसी वोट जा रहा है अखिलेश यादव? मैं वही कह रहा हूँ, ओबीसी हिंदू के नाम पर भी इसी आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा था कि इसीलिए मुसलमान, सीधा सवाल होगा, कड़ा सवाल होगा, लक्ष्मण यादव किसी पार्टी से नहीं है, सोशल साइंटिस्ट है, पूरा खतरा उठाकर, नौकरी का खतरा, जान का खतरा उठाकर, देश भर में आज पूरी दुनिया में मुझे मैसेज आते हैं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे सच्चा और सबसे दिलेर कोई समाज की बात करने वाला है तो वो लक्ष्मण यादव है। देखिए 624 लोग लाइव हैं, किसी टेलीविजन
पे इतना लाइव नहीं होता है लोग, मैं फिर कह रहा हूँ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सवाल भी पूछिए, आपका सवाल भी लेंगे। सोशल मीडिया नहीं होता तो आपकी कोई बात करने वाला नहीं होता। मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के अगर नेता आपस में लड़ रहे हैं तो जनता के पास सोल्यूशन है, उस पर भी जाऊंगा। लक्ष्मण जी 20% मुसलमान दे दिए, वो तो बेचारा अब तक बिना रिप्रेजेंटेशन के वोट देते आया है। मान लीजिए अखिलेश यादव को दे दिए, तब क्या अखिलेश यादव जीत जाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ, मुसलमानों ने जितनी ईमानदारी से और जितना निष्पक्ष होकर के इस देश के मुसलमानों ने कभी मुसलमान को अपना नेता ही नहीं माना। बहुत दिनों तक वो कांग्रेस के साथ रहे, बहुत दिनों तक वो सपा के साथ रहे, लालू मुलायम उनके नेता हुआ करते थे, कांग्रेस नेता हुआ करते थे। आज मुसलमान समझता है कि आप सब से वो सवाल पूछता है, लेकिन मुसलमान को पता है कि कम से कम बीजेपी हारे, उनसे आप शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत अगर आप करेंगे तो दलित पिछड़े और तमाम इन लोगों से जो मार भी खा रहे हैं हिंदुत्व की, फिर भी वो उनको जिता रहे। अगर इतनी मार खाने के बाद उत्तर प्रदेश के ओबीसी, सुने 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 सर, मुसलमान तो आतंक है, उसको तो बीजेपी के लिस्ट से हटा दीजिए। शेड्यूल कास्ट के लोग मरे हैं तो उनको मुआवजा मिला है, सवर्ण मरे हैं पुलिस कस्टडी में उनको मुआवजा मिला है, वाल्मीकि समाज को भी मुआवजा मिला है। 700 से ज्यादा पिछड़ों का एनकाउंटर हुआ है, कोई नाम तक नहीं जानता है, ये हालत है यूपी में। और ओबीसी की हालत क्या है? प्रतीकात्मक रूप से केशव प्रसाद मौर्य, एक बात बताइए कि बीजेपी में बाकी नेताओं की बेइज्जती क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों टारगेट किया जा रहा है कि एक मौर्य को ही टेलीविजन भी दिखा रहा है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, सब कुछ हो रहा है? तो ये ओबीसी इन सब के बाद भी अगर नहीं समझता है, ओम प्रकाश राजभर को समझ में आ गया, तमाम संजय निषाद को समझ में आ गया, तमाम लोगों को, संजय चौहान को, इन सारे लोगों को जो समझ में आया, केवल नेताओं को समझ नहीं आया। और दूसरी बात, मैं अभी भी, देखिए शंभू भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ओबीसी या दलित ये अभी भी इतना तो समझते हैं कि बीजेपी के शासन में उनका नुकसान हो रहा है। मैं एक बात लिख के दे रहा हूं, बीजेपी यूपी में मुसलमान और दलित बीजेपी को तो वोट नहीं देने जा रहा है एट एनी कॉस्ट, वो कहीं दे दे बीजेपी को नहीं देगा। ओबीसी की क्या स्थिति है? इस बार ओबीसी भी यह बात समझ रहा है, और मेरी उम्मीद है कि ओबीसी में से भी एक बड़ा तबका बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, और ये मेरी उम्मीद है। और जो समीकरण बन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 100% कर देगा, तो भी क्या, अगर 100% ओबीसी वोट करता है अखिलेश यादव को तो अखिलेश जी आ जाएंगे? नहीं, ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो 52% आ जाएगा फिर। आना चाहिए, मतलब अगर अखिलेश यादव नहीं जीते, मान लीजिए मायावती 25% शेड्यूल कास्ट नहीं जीतती है, तो मान लीजिए कि नहीं जीती सही, ओबीसी 25-20% मुसलमान नहीं जीती तो नहीं जीती, ठीक है, बिल्कुल। अगर अखिलेश नहीं जीते, इसका मतलब ओबीसी ने वोट नहीं किया? मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश नहीं जीतते हैं, हाँ। तो अखिलेश को तो सबसे सवाल करना होगा ना, 60% लगभग पॉपुलेशन है ओबीसी की। मैं 50 मान के चलता हूँ, 50 मान रहे हैं, 40 में सरकार बनी है बीजेपी की, हाँ। तो अगर ओबीसी के वो अगर अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनती है तो साफ इसका मकसद, तो इसका मतलब मायावती सही कह रही थी कि ओबीसी का वोट ट्रांसफर नहीं होता है बीजेपी के अलावा। अब देखिए मायावती और अखिलेश में क्या कौन वोट ट्रांसफर, नहीं, नहीं, मैं वोट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ 10 सीट मायावती की है, 5 अखिलेश की है, हाँ। और उसमें से भी सारा परिवार के लोग हैं, 2-3 लोग इस बार। चलिए एक सवाल पर आते हैं लक्ष्मण जी, हम लोग डर से, मैं जा रहा हूँ लखनऊ बहुत जल्दी, आपको स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, स्वतंत्र देव सिंह और BSP के भी बड़े नेताओं का इंटरव्यू दिखाऊंगा, इसी तल्खंदाज में, इसी लहजे में सवाल पूछूंगा। अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे बड़ा दुश्मन बहुजन समाज का कौन? ये वो इन नेता बताएंगे जिससे आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आप बताएंगे, आप सोचते ही, मैं आपको वाइस चांसलर बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना, नतली पटक के समाज से कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर, मायावती, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी जीतती है तो बहुजन का सबसे बड़ा दोषी नेता कौन? उसमें सब बहुजन आपस में लड़ेंगे। अभी चंद्रशेखर के खिलाफ सबसे ज्यादा ट्विटर पे कौन लिख रहा है? बसपा के लोग लिख रहे हैं। चंद्रशेखर के खिलाफ सबसे ज्यादा बसपा के लोग लिख रहे हैं, सपा के खिलाफ बसपा के लोग लिख रहे हैं, बसपा के खिलाफ ये तमाम लोग लिख रहे हैं, अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप किस नेता को दोष देंगे? अगर नहीं हारते ना तो ये कोई दोषी नेता नहीं होगा, जनता होगी। जनता कैसे दोषी? जनता को भाई आप वोट अगर बांटोगे तो जनता, अच्छा चलिए, देश के सबसे निडर, सबसे बेबाक और सबसे ईमानदार कहने से डर लगता है आजकल, कुछ लोग भड़क जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण यादव की इंटीग्रिटी पर आप शक नहीं कर सकते। मैं इसे 5 साल से देख रहा हूं। लक्ष्मण जी, क्या बहुजन समाज में वो चेतना आ गई है जैसे सवर्ण समाज? मान लीजिए 5 सवर्ण कैंडिडेट हैं, सपा का भी सवर्ण है, BSP का भी सवर्ण है,
बीएसपी का भी सवर्ण, सपा का भी सवर्ण और कांग्रेस का भी सवर्ण और बीजेपी का भी सवर्ण, सवर्ण किसको वोट करेगा? सवर्ण बीजेपी वाले सवर्ण के पास जाएगा। अच्छा चलिए, बीजेपी का कैंडिडेट मुसलमान, बीजेपी का कैंडिडेट मुसलमान, मान लिया दिया एक सीट है ऐसी जिस पर बीजेपी का कैंडिडेट मुसलमान है, सपा का सवर्ण, बसपा का सवर्ण, रावण का सवर्ण, ओवैसी का गठबंधन का भी सवर्ण, मिश्राम का भी सवर्ण, फिर भी सवर्ण किसको वोट देगा? सवर्ण जो है देखिए बीजेपी के मुसलमान को दे देगा। तो ये चेतना है सवर्ण समाज में, तो क्या ये चेतना बहुजनों में आ गई है? वो अब तय कर लेगा कि भले नेता लड़े, ग्राउंड पर हम एक पार्टी को चुनेंगे और उसको वोट मार देंगे। देखिए मैं मुझसे दो बात है, एक बात ये कि क्या होगा इसका सबसे अच्छा विश्लेषण 10 मार्च को होगा जब हम आप साथ बैठ जाएंगे। नहीं क्या सीएसटी में मैं कह रहा हूँ ये इम्तिहान है, मेरी उम्मीद है कि मैं नौजवानों के, बहुजनों के नौजवान जो है ना, ओबीसी के नौजवान, दलित नौजवान, उनमें चेतना तो आपकी पॉपुलरिटी देखिए, 1000 लोग तो इस पेज पर देख रहे हैं और सोचिए हजारों लोग इसको शेयर कर रहे हैं, कम से कम लाखों लोग देख रहे हैं आपको, आपकी पॉपुलरिटी है। नहीं नहीं, ये लक्ष्मण यादव दो लाइन तारीफ कर रहे हैं, तीसरा सवाल इतना कठिन पूछ रहे हैं आप। मैं आपकी साजिश समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ईमानदारी की बात है, हमें, हम किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, ईमानदारी की बात ये है ना कि सच बात यह है कि अभी बहुजन समाज को जितना जागरूक होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। सच बात यह है हम जातियों में बटे हैं, समूह नहीं बनता है। नहीं एससीएसटी ओबीसी हमारे हमारे बड़े पुराने नेता हैं शरद यादव, वो कहा करते थे जात की बजाय जमात को करो, और ओबीसी तो जाति भी नहीं है ना, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो वर्गीय चेतना जो ओबीसी में आनी चाहिए थी ना वो नहीं आई। अभी दोषी कौन है? स्टालिन जो नीट में आपको आरक्षण दिलवा रहा है, जो लॉ यूनिवर्सिटी में आपको आरक्षण दिलवा रहा है, या वो ओबीसी का नेता जो हाथ में फरसा लहरा रहा है? अब देखिए फरसा वाला सवाल का जवाब तो लेना पड़ेगा भाई, आप मुझसे अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे ना तो मैं उस फरसा वाले ओबीसी नेता के साथ नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मैं असहज महसूस करूँ। अच्छा क्या लग रहा है मायावती जी का मेन रणनीतिकार मिश्रा जी, अखिलेश जी क्या मेन रणनीतिकार मिश्रा जी, रावण तो कम से कम कह रहा है कि सवर्णों को टिकट नहीं देंगे, मिश्राम और ओवैसी भी देने के पक्ष में नहीं है। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में ना ये लोग ये समझ नहीं पाए, मैं एक सवाल करता हूं, अगर 85% बहुजन की बात करने वाले कांशीराम जी की विरासत एक कमजोर हो गई और बहुजन से सर्वजन पर जाना पड़ा, तो इसका मतलब आप फेल हुए। अगर मुलायम सिंह यादव किसान और नौजवान की बात कर रहे, क्या बीएसपी को सवर्ण वोट करेंगे? लगता है या ये खाली पुलाव? देखिए सवर्ण तब तक आप लोग सवाल आप लोग बताइए, क्या आप लोग 10-20 टाइप कीजिए, क्या 1000 से ज्यादा कांकड़ा पार कर गया, शुक्रिया दोस्तों इस भरोसे के लिए, क्या सवर्ण सपा को अखिलेश जी भी टिकट दे रहे हैं, मायावती जी को वो भी टिकट दे रहे हैं, क्या सवर्ण वोट देने जा रहा है? टेलीविजन पर इसी तरह से कैलकुलेशन होता है, पता है आजकल क्या चल रहा है, जाट हिंदू नहीं है, मतलब 70% यूपी में हिंदू है, 20% मुसलमान और 10% जाट है। हम लोग तो इतना बोल भी नहीं सकते साहब, फेसबुक की अपनी लिमिटेशन है। लक्ष्मण जी बहुत सीरियस सवाल, टीवी अखबार से ये नेता कैसे लड़ पाएंगे? ये लोग आज भी टूट टूट के वही इंटरव्यू दे रहे हैं जहां इनको बेइज्जत किया जा रहा है। सही बात है, और देखिए दक्षिण भारत के नेताओं से इनको सीखना होगा, उत्तर भारत के बहुजन नेताओं को दक्षिण भारत से सीखना चाहिए, वो पेरियार की जमीन है, बसवन्ना नारायण गुरु और फूले की जमीन है, उन्होंने टेलीविजन चैनल खड़े किए, इन लोगों ने जिनको पैसा दिया, जिनको पुरस्कार दिया, वो आज सारे इनके खिलाफ खड़े होते हैं। ये थोड़ी दिक्कत है दोनों तरफ, नेताओं के ऊपर देखिए दबाव होता है ना, इस बार का चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं करवा पा रही बीजेपी। अखिलेश यादव की एक बात में तो तारीफ करेंगे ना कि वो जो रोज का घोषणा पत्र ले आ रहे हैं कि हम बिजली देंगे, हम जो है इतनी नौकरी देंगे, जाति जनगणना कराए। अरे सर तेजस्वी यादव ने ऐसे ऐसे युवाओं को टिकट दिया था, अखिलेश जी का टिकट गिना दो अभी। हाँ अभी तो भी इस तरह की अखिलेश तेजस्वी यादव ने तमाम लकीरें खींची थी। हाँ ये बात सही, एक से एक एससीएसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तेज तरार युवाओं को टिकट दिया था। अखिलेश जी से चूक हो रही, क्या लगता है 10 सीट भी रावण डिजर्व नहीं करते थे? 5 सीट तो नहीं, 5 सीट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो गठबंधन होना चाहिए था, और चंद्रशेखर आजाद जैसे लड़ने वाले हर मुद्दे पर लड़े हैं वो, भाई सीएनआरसी पर जिस पर कई बार शिक्षक लड़ाई काटी जा रही है, और मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी रिजर्वेशन से छेड़खानी थी तो चंद्रशेखर वहां भी गए। चंद्रशेखर के मन में आइडिया तो बहुत अच्छा है, चंद्रशेखर जो अपना लड़ने वाली छवि बनाए हैं वो बहुत अच्छी है, इसलिए मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि वो गठबंधन होना चाहिए था, ये मेरी समझ है। और अगर इन सब के बावजूद अगर बीजेपी 22 में यूपी में जीत गई ना,
तो इन सारे लोगों को, राजनेताओं का देखिए बहुत नुकसान होता नहीं, नुकसान उस जमीन पर खड़े आम आवाम का होगा। हमारा आपका तो खेल खत्म हो। अरे भाई जमीन पर जो आप देखिए अनुराग ठाकुर के जो इशारा किए ना कि जो एंटी नेशनल चैनल है तो आपको कल को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा कि आप पत्रकार एंटी नेशनल है, मैं एंटी नेशनल प्रोफेसर हूँ, तो सारे लोग मारे जाएंगे। और इन नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ अखिलेश यादव भी सुरक्षित रहेंगे, रावण भी सुरक्षित रहेंगे, मायावती जी भी सुरक्षित रहेंगे, ओपी राजभर भी सुरक्षित रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी सुरक्षित रहेंगे, ओवैसी और बामन मेश्राम भी सुरक्षित रहेंगे, नपेंगे हम और आप। अब भी समय है, होशियारी से वोट कीजिएगा। एक आइडिया ये चल सकता है कि कोई भी पार्टी हो, मायावती हो, अखिलेश हो, इनके पार्टी के खिलाफ तो लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनके नेता में इनके कार्यकर्ता तलवार लेकर जाएंगे। अगर एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट चुन के लोग वोट कर दे, जहां रावण का अच्छा कैंडिडेट है, मायावती जी का, अखिलेश का, कम से कम विधानसभा में एससी एसटी ओबीसी माइनोरिटी है जिसकी 90% आबादी। मैं अभी भी इसमें एक ही अपील करूंगा, इस तरह नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि हर सीट पर आपको बसपा को वोट देना दे लो, आपको सपा को देना दे लो, उसको देना जो बीजेपी को हरा रहा हो। सीधा सा मेरा भाई, कौन कहां मजबूत है ये आप देखो। लेकिन जो सवर्ण मजबूत है उसको देने से क्या फायदा है? सवर्ण मुश्किल। एक बात बताइए, कांग्रेस का सवर्ण, चाहे बीजेपी का सवर्ण, चाहे बीएसपी का सवर्ण, जाता सब पार्टी छोड़ के कहां है? बीजेपी में, बीजेपी में जाता है वो वामपंथी हो तो वामपंथी तो भी वही जाता है। मैं बस दूसरी बात कर रहा हूँ, अगर सवर्ण को, अगर सपा बसपा का सवर्ण होगा ना तो आप कॉलर पकड़ पाएंगे क्योंकि आप ताकतवर होंगे। ये बीजेपी से ना आप लड़ नहीं सकते, ये आपके जान के दुश्मन। लेकिन जनता तो नाराज है सर, जनता बिल्कुल नाराज, बस दिक्कत है कि वोट बट रहा है, वोट बट रहा है। सवाल मेरा वही है, असली विलेन कौन, जो बीजेपी को, बीजेपी किसकी वजह से जीत रही है? मैं अभी भी कह रहा हूँ अखिलेश जी की वजह से, मायावती जी की वजह से, चंद्रशेखर रावण की वजह से, या बामन मिश्राम ओवैसी की वजह से? भाई देखिए बीजेपी सबसे बड़ा विलेन कौन? बड़ा नहीं है, सारे बड़े विलेन होंगे। नहीं ओवैसी को क्यों विलेन कहेंगे? नहीं हाँ ओवैसी को कैसे कहेंगे ओवैसी, लेकिन एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अभी भी कौन किसको नेता मानता है ये अभी प्रश्न है। ओवैसी को मुझे लगा अभी भी अखिलेश के साथ जा रहे हैं, कुछ मायावती के साथ भी जाएंगे, कुछ रावण के साथ भी जाएंगे। ये जमात के तौर पर ओबीसी आधा बटा हुआ, ओबीसी बीजेपी के साथ है। नहीं नहीं अभी भी कह रहा हूँ कि नए समीकरणों में ओबीसी को भी समझ में आया है। अरे भाई ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हर जगह मजाक का पात्र केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों बनेंगे, जबकि मजाक का पात्र बनना चाहिए तो उस मठाधीश अजय सिंह बिष्ट को, जिसने खुलेआम ठाकुरवाद चलाया। केशव प्रसाद मौर्य को न कुछ काम करने को मिला, न कुछ मिला, और उनको मजाक का पात्र बना। तो बहुजनों का सबसे ईमानदार, सबसे ताकतवर, सबसे निडर और सबसे बेबाक प्रोफेसर किस बहुजनों को क्या आइडिया देगा? मेरा कहना साफ ये है कि भाई देखो, समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, नेताओं के बल पर परिवर्तन होते हैं, एक फैसले एक कलम चलती है ना तो बहुत कुछ असर होता है। फिर भी मैं कह रहा हूं अभी भी बीजेपी या योगी या मोदी चुनौती नहीं है, चुनौती आरएसएस की वो विचारधारा है जो इस देश के बहुजनों को हमेशा के लिए वहां पहुंचाना चाहती है जहां मनुस्मृति के पहले वो लोग थे। आप जागिए, आप नेताओं को एकजुट कर सकते हैं, आप अगर एकजुट होंगे तभी इन नेताओं को, आप जो चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, चंद्रशेखर हो या कोई भी नेता हो, इनको अगर दबाव में कोई ला सकता है तो ये बहुजन आवाम है। इसलिए मेरी अपील उनकी यही है, चुनाव में वोट देना तो बीजेपी को हराओ, मेरी एक अपील, किसी तरह बीजेपी को हराओ, ये जीना मुश्किल हो जाएगा 22 से 27 में। उत्तर प्रदेश हिंदू राष्ट्र का उदाहरण बन के पेश होगा, मैं साफ कह रहा हूं, अगर बीजेपी जीती तो उत्तर प्रदेश में वो काम होगा जो हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी होता है, नजीर पेश की जाएगी। और पता है हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? नाई बाल काटेगा, पिछड़ा खेहल चलाएगा, उसका बेटा कलेक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, एसपी डीएम नहीं बन पाएगा, सीएम पीएम नहीं बन पाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है ना कि एकात्म मानववाद क्या है, उनका आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति, शरीर जैसे है ना वैसे समाज है। वो कहता है कि मस्तिष्क का मस्तिष्क करे, पैर का काम पैर करे, तो पूछो बहुजनों से कि पैर पर कौन था। क्या अच्छा क्या नुकसान होगा एससी एसटी ओबीसी माइनोरिटी का अगर बीजेपी आ जाती है तो? बीजेपी के आने का सीधा सा मतलब है, दलित पिछड़े आदिवासी जितने किसान कामगार कमेरा जातियां थी ना, इनके हाथ से उनका पेशा तो बर्बाद हो गया है, उनके हाथ में रोजगार बचा नहीं, उनके नौजवानों को रोजगार मिलेगा नहीं, शिक्षा जो बची थी शिक्षा बर्बाद हो गई है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, वो शिक्षा रोजगार दो चीज गई,
कोरोना में सबसे ज्यादा कौन लोग मारा, जिसकी जेब में पैसा रहता है, एक अमीरा जात के लोग। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तीनों गया, अब उसके बाद आपका बच्चा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दंगा करने ही तो जाएगा, ये है आपको मिलेगा। आपके घर में रोटी पकेगी कि नहीं ये अभी तय होगा। बीजेपी सब कुछ छीन लेगी, पूरे देश को अंबानी अडानी का तो बेच दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। उदाहरण दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि रिजर्वेशन को खत्म करने की घोषणा किए बिना 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, पेपर लीक करना और लाखों लाख रुपए में नौकरियां बिक रही है। सारे डीएमएसपी ठाकुर जाति के सारे ठाकुरों को अपराधी बनोगे तो एमएलसी बना दिया जाएगा और दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश कम से कम जान के रखिए कि असली हिंदू राष्ट्र का उदाहरण बन के पेश हो रहा है। इसलिए बहुजनों के पास कुछ नहीं बचेगा, और जब आपके पास शिक्षा रोजगार नहीं रहेगा ना, तो आपके बच्चों को अचानक कोई दंगाई बनाने में कामयाब हो जाएगा। मंदिर की लड़ाई होगी, विश्वविद्यालय की लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने शौचालय बनाया, उन्होंने देवालय बनाया और आपका विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिया। बहुजनों का सब बर्बाद होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मेरा काम नहीं है कि किसी पार्टी के लिए वोट मांगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना मेरा काम है कि आपके बच्चों का भविष्य जो बर्बाद कर रहा है ना, उसे कहीं से भी साथ मत दीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि ये सब लूट रहा था आप क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ दे रहे थे। अरे अपने लोग बचेंगे ना, आप अखिलेश यादव से लड़ सकते हैं, आप मायावती चंद्रशेखर से लड़ सकते हैं, आप योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट नहीं लड़ पाएंगे, वो लड़ने लायक ही नहीं आपको छोड़ेगा, आपका सब बर्बाद होने वाला है। इसलिए मेरी अपील यही है। आखिर सवाल, सपा बसपा अखिलेश बेसराम, सपा बसपा रावण और बेसराम में सबसे पलड़ा भारी किसका है? देखिए मैं क्या बताऊं, दिखता ये है कि ये मुश्किल सवाल है, मैं चाहता हूँ सबका पलड़ा भारी रहे। ईमानदारी से बताइए, मैं बता सकता हूँ, मैं तो बोल दूंगा। हाँ। जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन देखिए, अगर मीडिया की माने या जमीन पर माने या गठबंधन के लिहाज से माने, तो अभी भी नो डाउट अखिलेश यादव आगे हैं। बहन जी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, बसपा को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मेरा अभी भी मानना है कि बसपा के अपने कोर वोटर कभी वोकल नहीं होते, वो साइलेंट होते हैं। बसपा का भी अपना न्यूनतम वोट शेयर हमेशा एक मेंटेन लेवल पर रहा है, तो बसपा भी फाइट में रहेगी। चंद्रशेखर को पसंद करने वाले नौजवान हर तबके में है, ओवैसी को पसंद करने वाले नौजवान हर तबके में, तो इनमें से किसी कमजोर में कैसे कहूं, मैं तो कहूंगा कि सारे मजबूत हैं।